Students, we will talk about the role of medical social worker in the field of medical social work. The medical social worker, equipped with the professional knowledge of social work profession, can help the patient in smooth transition from hospital to the community and maintain the link with the patient, the community, and the health services. So this is very important, that the patient who is going through a transitional phase, because the patient has suffered from some sort of unfavorable kind of the conditions in the hospital, means something the painful, or maybe he has gone through a trauma. So when the patient is going to enter in the community life, there is a gap. So to normalize this gap and to bridge up the patient's life in the hospital and the life in the community, the medical social worker helps the patient in this smooth transition from hospital to the community. Similarly, this is very important for the medical social worker to do follow-up, to provide the follow-up with the family so as to stabilize the gains made during treatment. And this may involve casework, one-to-one counseling, method, group work, and community organization. ये जब हम बात करते हैं कि जो patient है वो एक जब hospital के अंदर है तो वो एक trauma से गुजरा है, एक shock से गुजरा है, एक जो normal जो एक जिंदगी का एक जो एक course of action है, एक line of action है, उससे हट करके वो एक phase of life से गुजरा है. तो जब वो कम्युनिटी के अंदर जा रहा है तो बहुत सारी चीजें जो ऑलरेडी डिस्टर्ब हो गई हैं, मे बी वो उसकी एम्प्लॉयमेंट डिस्टर्ब हो गई है, उसकी जो डिसेबिलिटी की वजह से उसके घर के जो फैमिली में एडजस्टमेंट है वो मुश्किल हो गई है, उसकी पर्सनल लेवल पर वो एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजर रहा है. तो इस ट्रांजिशनल फेज में जो मेडिकल सोशल वर्कर है वो एक एक ग्रेट हेल्प प्रोवाइड करता है पेशेंट को. नंबर टू, वो फैमिली, पेशेंट और जो जो हॉस्पिटल सेटिंग है उसके दरमियान में एक लिंक जो है उसको मेंटेन करता है. एंड देन जो है वो एक फॉलो अप प्रोवाइड करता है फैमिली को और पेशेंट को कम्युनिटी के अंदर. और इस सारे प्रोसेस के अंदर जो है वो बहुत सारे अपने इंटरवेंशंस को यूज कर सकता है, लाइक केस वर्क, the group work, and the community organization methods of social work can be effectively used by the medical social worker. Then another role of medical social worker is to reach out to the people in their homes to convince them about the preventive measure and explain nature of illness and treatment involved. बाज़ोकात जो patient है वो हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट तो ले लेता है लेकिन बाद में प्रिवेंटिव मेजर्स अडॉप्ट ना करने की वजह से वो दोबारा से उस डिजीज के अंदर जो है वो उसका इन्वॉल्व होने का जो है वो अंदेशा लाहक रहता है. तो प्रिवेंटिव मेजर्स किस तरह से जो है वो अडॉप्ट करनी है, कौन कौन सी प्रिवेंटिव मेजर हो सकती है, इस सिलसिले में जो हेल्थ रिलेटेड एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जा सकती है, पेशेंट को एजुकेट किया जा सकता है इस सिलसिले में. इसी तरह से जो बीमारी की नौयत है और उसमें जो जो सारा ट्रीटमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व है उस सिलसिले में पेशेंट को हेल्प किया जा सकता है. साइमल्टेनियसली अनदर रोल ऑफ मेडिकल सोशल वर्कर इज टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल, टू स्टिमुलेट पीपल्स पार्टिसिपेशन हेल्थ केयर प्रोग्राम्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट के जो है वो एक जो हेल्थ रिलेटेड जो एक मेजर्स हैं उनको एक होलिस्टिक मैनर में हेल्थ केयर प्रोग्राम के डायमेंशन से और पर्सपेक्टिव में उसको जो है वो देखा जाना चाहिए. और अगर जो जो मेडिकल सोशल वर्कर है वो कम्युनिटी के अंदर कोई ऐसा हेल्थ की एजुकेशन से रिलेटेड कोई कैंपेन या कोई वर्कशॉप या कोई सेमिनार रखते हैं तो उसमें जो पेशेंट है या उसकी फैमिली की पार्टिसिपेशन है या ज्यादातर जो कम्युनिटी के ग्रुप्स की पार्टिसिपेशन है उसको मैक्सिमम हद तक पॉसिबल जो है वो मेडिकल सोशल वर्कर कर सकता है बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल ऑफ द कम्युनिटी.
The medical social worker can also educate and plus interact with the community to help the community adjust with the patient having disability or illness, and to make the community adaptive for the disabled, to help them integrate the disabled with them as well. जब कोई एक जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है वो एक डिसेबिलिटी से सफ़र करता है, तो ये देखा गया है कि कम्युनिटी के जो लोग हैं वो रेडी नहीं होते उसको एक्सेप्ट करने के लिए. वो जो एक डाइवर्सिटी आ जाती है उस पर्सन की पर्सनालिटी के अंदर, उस पर्सन की लाइफ के अंदर, तो वो जो एक वॉक ऑफ लाइफ, जो एक नॉर्मल वॉक ऑफ लाइफ है, उसके अंदर जब वो उसके फ्रेम में फिट नहीं होता, तो कम्युनिटी के लोग जो हैं उसको वो रिस्पेक्ट, वो ऑनर और उसकी नीड्स का उस तरह से ख्याल नहीं करते जो कि किया जाना चाहिए. तो जो एक मेडिकल सोशल वर्कर है वो ना सिर्फ के पर्सन विद डिसेबिलिटी को हेल्प आउट करता है, पेशेंट को हेल्प आउट करता है जो किसी खास डिजीज से सफ़र कर रहा है, बल्कि कम्युनिटी के लोगों को भी तैयार करता है कि वो उस पेशेंट और पर्सन विद डिसेबिलिटी के रिहैबिलिटेशन प्रोसेस के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करें, उसको अफेक्टिव बनाएं कंस्ट्रक्टिवली और पॉजिटिवली, और उस पर्सन को इंटेग्रेट कराएं कम्युनिटी के अंदर फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग विद इन दैट कम्युनिटी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेडिकल सोशल वर्कर जो है वो जो मेडिको सोशल रिसर्च है उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है कि जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं उसके उस पर अगर कोई बॉडी ऑफ नॉलेज डिवेलप करना है, उसके बारे में कोई डाटा कलेक्ट करना है, कोई सर्वे करना है, तो उस सारी रिसर्च के अंदर जो है वो मेडिकल सोशल वर्कर जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है एज अ कंसल्टेंट, एज अ रिसर्चर, एज अ फैसिलिटेटर. Then medical social worker can also work in the community based rehabilitation program. कोई government अगर initiative लेती है, कोई institutional care provide करती है for the patients or for who are suffering from the chronic disease, or जो कोई disability से the person who are suffering from some sort of disability, तो उनके लिए अगर कोई rehabilitation program chalk out किया जाता है community के अंदर, तो उस सारे रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के सिलसिले में जो मेडिकल सोशल वर्कर है वो एक अहम रोल अदा कर सकता है. जैसे पिछले दिनों डिसेबिलिटी की के लिए जो एक डिसेबल लोगों के लिए सर्वे किया गया कि किस तरह की डिसेबिलिटी जो है वो पाई जाती है और कितने लोग जो है वो डिसेबल हैं, मैपिंग की गई, सर्वे किया गया, तो उसमें जो मेजर रोल है वो सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स ने एक प्ले किया और मेडिकल सोशल वर्कर्स ने जो है वो प्ले किया. इसी तरह से बहुत सारे जो पेशेंट्स होते हैं जैसे कि हेपेटाइटिस सी के हैं, जो एक इस वक्त एक हाईली इंक्रीजिंग डिजीज है पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर, सो उस सिलसिले में पेशेंट्स का जो एक कोर्स है इंजेक्शंस का जो लगना होता है पेशेंट्स को, उस सिलसिले में जो है वो इंजेक्शंस जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं या जो एनजीओस के जरिए या गवर्नमेंट लेवल पर जो मेडिकल सोशल वर्कर्स हैं वो अरेंज कर सकते हैं, कि वो खासा एक्सपेंसिव होता है जो कोर्स है इंजेक्शन का, उसको अरेंज किया जा सकता है. देन जो पेशेंट है उसको जो है वो तैयार किया जा सकता है कि उस कोर्स को पूरी तरह जो है वो फॉलो करे और वो इंजेक्शन जो है वो पूरी तरह लगवाए जाए. इसी तरह ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट की एग्जाम्पल ली जा सकती है कि एक टीबी का जो मरीज है वो 16 दूसरे लोगों को टीबी करने का बाइस बनता है, तो किस तरह से जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो ली जा सकती हैं. इसी तरह से एचआईवी एड्स है जो जो एक जो जिसके लिए बहुत सारी एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार की जा सकती हैं और लोगों को जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए जो है वो उनको गाइड किया जा सकता है, एजुकेट किया जा सकता है, और सिलसिले में जो है हेल्थ अवेयरनेस सेमिनार्स और टॉक्स एंड डिस्कशंस एंड फोकस ग्रुप डिस्कशंस जो हैं वो ऑर्गेनाइज की जा सकती हैं कम्युनिटी के अंदर. सिमिलरली जो है वो जैसे कि जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है या इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है, दैट इज द इंक्रीज दैट इज ऑन इंक्रीजिंग साइड इन पाकिस्तान, तो इसको भी जो है वो रिड्यूस किया जा सकता है पाकिस्तान के अंदर. सिमिलरली जो है वो मेडिकल सोशल वर्कर कैन पार्टिसिपेट इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड मेडिकल सोशल वर्क और अदर पैरामेडिकल स्टूडेंट्स, नर्सिंग स्टूडेंट्स एंड वॉलंटियर्स एंड अदर इंटरेस्टेड ग्रुप्स.
जो है वो फील्ड वर्क ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज की जा सकती है, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स अरेंज कर सकता है मेडिकल सोशल वर्कर जो है सोशल वर्क स्टूडेंट्स के लिए केस वर्क सेटिंग के अंदर. इसी तरह से जो है वो जो बाकी जो कोई अगर ड्यूटीज असाइन की जाएं उसको हॉस्पिटल की तरफ से या उसके अपने डिपार्टमेंट जो है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वो उन ड्यूटीज को भी परफॉर्म जो है वो कर सकता है. Another important role which can be performed by the medical social worker is to provide the psychological support to the patients and their family suffering from serious diseases and who have to go under operations. So, जब किसी को सर्जरी से गुजरना है या कोई क्रॉनिक डिजीज में जो पेशेंट आता है तो वो एक साइकोलॉजिकल इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहा होता है, मेडिकल सोशल वर्कर जो है वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो उसको प्रोवाइड कर सकता है फैमिली को भी और पेशेंट को भी. सो दीज आर द रोल्स विच कैन बी परफॉर्म्ड बाय द मेडिकल सोशल वर्कर्स इन द मेडिकल सेटिंग विद इन द हॉस्पिटल्स.